स्टूडेंट वेलकम टू एसवी एकेडमी। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 विषय हिंदी में लेसन 3 नादान दोस्त पाठ पढ़ भी रहे हैं, अभी पूरा पाठ नहीं हुआ है, तो इसमें आगे है। आज उसी कड़ी में इस पाठ को पूरा करने जा रहे हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे दिखाया नहीं, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते? श्यामा बोलती, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला। किवाड़ में दरवाजा केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, भैया मतलब भाई पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, यानी केशव को यह डर था कि कहीं श्यामा कह न दे, मतलब श्यामा अपनी माँ को ये बात न बता दे कि इस भैया ने मुझे मतलब चिड़िया के घोंसले के बारे में या चिड़िया के घोंसले के बारे में और उसके अंडों के बारे में मुझे इसने दिखाया नहीं है, इसलिए वो केशव डर रहा था। केशव ने अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के बारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू एक गर्म हवा जिसको बोलते हैं, जिसे गर्मियों के अंदर हवा चलती है, तेज गर्मी पड़ रही होती है तो हवा भी गर्म हो जाती है, तो उसको लू बोलते हैं। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निक्स छज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ झांकने लगी। टोकरी का पता नहीं था, स्योंग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, मतलब उसी कदम वापिस आती हुई बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूट पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी प्याली की जो प्याली थी वो भी टूटी हुई थी, तो चिड़िया ने उन अंडों को नीचे गिरा दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा, मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब बहुत घबरा गया और सहमी हुई, डरी हुई आंखों से। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में। देखते नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया। वही तो दो चार दिनों में बच्चे बन
जाते। माँ ने सोटी हाथ में ली हुए, माँ ने सोटी हाथ में ली हुए मतलब डंडा हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ को पता चल गया कि इन बच्चों ने अंडों को छुआ है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया, भैया को जरा भी तरस न आया, तरस मीन्स दया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसकी सजा मतलब दंड मिलना चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव? भीगी बिली, केशव भीगी बिली मतलब बुरी तरह डरा हुआ केशव भीगी बिली बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? माँ तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी, यानी चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे खड़ी थी, नहीं खड़ी थी। तुम्ही ने तो कहा था, श्यामा बोलती है, तुम्ही ने कहा था। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें फिर नहीं सहती है। मतलब उन्हें नहीं सहती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी माँ और क्या करती, केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय तीन जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत में शक्ल बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस में पछतावा या दुख होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के योग में मतलब प्रयास में अंडों की हिफाजत मतलब सुरक्षा करने के प्रयास में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, सत्यानाश पूरी तरह नष्ट कर देना कर डाला। इसे याद कर वह कभी रो पड़ता है, इसे याद कर वह कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहां फिर कब फिर न दिखाई दे, यानी दोनों चिड़िया वहां फिर कभी भी न आई, यानी केशव के हाथ लगाने से अंडे गंदे हो गए और अंडे गंदे होने से चिड़िया ने उन अंडों को छुआ भी नहीं और उन्हें नीचे गिरा दिए। तो प्रिय बच्चों, ये था थर्ड नंबर लेसन, यानी नादान दोस्त। वो नादान थे, बच्चे नादान होते हैं, इनको पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी गलती, केशव को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। तो प्रिय बच्चों, आज हम ये पाठ हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसके मैं कुछ शब्दार्थ बता रहा हूँ आपको, वो शब्दार्थ आपने घर से लिखने हैं, शब्दार्थ बोल देता हूँ। तो पहला शब्दार्थ देखो आपने लिखना है, कॉर्निक्स। कॉर्निक्स का होता है अर्थ होता है दीवार के ऊपर का आगे का बढ़ा हुआ भाग या छज्जा। कॉर्निक्स का अर्थ लिखना है छज्जा लिखना है, या दूसरा लिखोगे दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ भाग। फिर होता है उसके बाद लिखना है शुद्ध। शुद्ध का अर्थ लिखना है ध्यान। शुद्ध का अर्थ क्या लिखना है आपने? ध्यान। और शुद्ध का अर्थ ध्यान। सवाल, प्रश्न। सवाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न। फिर होता है पर। पर का अर्थ है पंख। पर का अर्थ क्या हो गया? पंख। और जवाब, उत्तर। जवाब क्या हो गया? उत्तर। तसल्ली संतोष पूर्वक। और
गर्व अभिमान घमंड, गर्व का अभिमान या घमंड, पेचीदा उलझा, उलझा या कठिन, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ क्या होगा, जानने की इच्छा, अधीर बेचैन या उतावला, और अनुमान अंदाजा, अनुमान क्या होगा अंदाजा, और चारा का अर्थ होगा दाना एवं भोजन, चारा एवं दाना एवं भोजन, मुसीबत परेशानी, मुसीबत का अर्थ क्या होगा परेशानी, और तकलीफ कष्ट, तकलीफ का क्या होगा कष्ट, और उसके बाद में सुराग छेद, सुराग का अर्थ होगा छेद, चालाक होशियार, चालाक अर्थ क्या होगा होशियार, और चिथड़े फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े, और गिड़गिड़ाकर विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, और सहमी हुई बहुत डरी हुई, सहमी हुई बहुत डरी हुई, सहमी का डरी हुई, और अफसोस पछतावा या दुख, सूरत सकल, जोग प्रयास या कोशिश। तो प्रिय बच्चों ये थे शब्दार्थ, अगले वीडियो में नेक्स्ट अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो अभ्यास प्रश्न है साथ में इसके शब्दार्थ है वो वापिस पुनः दोबारा मैं आपको दोबारा से फिर बताऊंगा, और साथ में इसके जो अभ्यास प्रश्न है हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी ने, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस लेसन को पढ़ें, दोबारा से पढ़ें, और बार बार पढ़ने से आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रिय बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।